हेलो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं वॉक्सवैगन की वेंटो TSI इंजन। ये इंजन अपना अपोलो GT के अंदर भी आता है, ठीक है, और ये वेंटो के अंदर भी आता है। तो इसके अंदर जो प्रॉब्लम आ रही है वो है कि गाड़ी को अगर हम बंद कर दें तो ये थोड़ी देर बाद स्टार्ट करते हैं, 5 से 10 मिनट बाद, तो ये लॉन्ग सेल्फ स्टार्ट होती है, लॉन्ग सेल्फ स्टार्ट होती है। और अगर तुरंत बंद करके तुरंत स्टार्ट करेंगे तो ये हाफ सेल्फ स्टार्ट होती है। ये जो प्रॉब्लम आ रही है वो आ रही है कि इसका मेरे हिसाब से कि फ्यूल जो है, फ्यूल पंप वगैरह, वो इसका काम नहीं कर रहा है। तो मैं इसका फ्यूल पंप वगैरह चेंज करूँगा और आपको प्रॉब्लम भी दिखाता हूँ कि किस चीज़ की ये प्रॉब्लम है। तो ये देख सकते हो, आपको मैं दिखाता हूँ, इधर आना पड़ेगा। ये मैंने गाड़ी में इग्निशन ऑन करा, ठीक है, और अपना सेल्फ मारता हूँ। ये देख सकते हो कितना लंबा सेल्फ लेके ये गाड़ी स्टार्ट हुई है, ठीक है। अरे यार बंद कर, तो अब इसको दोबारा बंद करता हूँ, ठीक है। अब देखो हाफ सेल्फ स्टार्ट हो गई, और कभी कभार ये लंबा सेल्फ लेके स्टार्ट होती है। तो ये जो प्रॉब्लम आ रही है इसके अंदर, ये मैंने बंद करी, ये स्टार्ट करी, ये हाफ सेल्फ स्टार्ट हो गई। अगर 5 से 10 मिनट छोड़ दूंगा, और सुबह के टाइम पे तो ये बिल्कुल भी स्टार्ट नहीं होती है, सुबह के टाइम पे तो ये बिल्कुल भी गाड़ी स्टार्ट नहीं होती है। तो इसके लिए मैं क्या करने वाला हूँ, इसका फ्यूल पंप वगैरह जो है वो मैं चेंज करूँगा। तो इसका फ्यूल पंप चेंज करता हूँ और आपको दिखाता हूँ कि फ्यूल पंप के अंदर क्या चीज़ ख़राब हो रखी है। तो खोलता हूँ इसका फ्यूल पंप। तो इसका जो फ्यूल पंप लगा हुआ है, ये हमने सीट खोल के ले लिए, और इस तरीके से होगा रिले समेत आप इसको निकाल सकते हो। तो ये जो है पहले भी डला हुआ है, मगर ये दिक्कत दे रहा है जो फ्यूल पंप है। तो अभी हम इसको निकालते हैं और दूसरा लगाएंगे, वो भी दिखाते हैं आपको। तो जो फ्यूल पंप है वो हमने खोल के ले चुके हैं, ये देख सकते हो, ये लोकल है। मगर जो फ्यूल पंप है ये है लोकल, और इसके अंदर जो हम डालेंगे वो भी दिखाते हैं आपको। फ्यूल पंप से इसी में भर देते हैं। ये फ्यूल पंप है इसके अंदर, ठीक है, और ये इसकी रिले, रिले भी इसकी चेंज करेंगे। रिले पे कोई मार्कर नहीं है, ये रिले भी लोकल डली पड़ी है, इससे भी दिक्कत आएगी ये वाली। और जो हम इसमें डाल रहे हैं वो ये वाला फ्यूल पंप डाल रहे हैं, ओरिजिनल फ्यूल पंप है, बिल्कुल नया साफ सुथरा। और इसकी जो रिले है वो भी हम ये वाली डाल रहे हैं, देख सकते हो आप, ओरिजिनल। तो अभी इसको फिट करके लेते हैं, ठीक है, उसके बाद इसको चलाएंगे और दिखाते हैं फिर आपको, स्टार्टिंग दिखाते हैं आपको कि कैसे ले रही है। तो अभी इसको फिट कर लेते हैं। और लोकल वाला जो है वो ये है, ओरिजिनल ये है। ओरिजिनल की पहचान दिखा देता हूँ आपको, इस तरीके से होगा, ये देख सकते हो, नया पड़ा है बिल्कुल। ये 3000 गाड़ी चली हुई है, एक्सीडेंटल गाड़ी का खुलवा रखा है अपने ये। तो अभी इसको फिट करते हैं और दिखाते हैं। तो फ्यूल पंप जो है वो मैंने लगा के ले चुका हूँ, पूरा कम्प्लीट हो गया है, ठीक है। अब उसके बाद क्या करना है मेरे को, अब इसको एक बार सेल्फ मार के देखते हैं भाई, बाहर चलते हैं। तो एक बार सेल्फ मारते हैं, देखते हैं हाफ सेल्फ हो रही है नहीं हो रही है, क्योंकि गाड़ी खड़ी हो जाती है तो काफी लंबा सेल्फ लेती थी ये। अभी पेट्रोल आया होगा, जब पेट्रोल उतरा हुआ होगा, ठीक है, बंद करते हैं, हाफ सेल्फ मारते हैं। ये हाफ सेल्फ हो रही है स्टार्ट। तो एक काम करते हैं, बंद करें, फिर एक बार सेल्फ मारता हूँ। अभी इसको ना 10 मिनट बाद सेल्फ मारता हूँ, 5-7 मिनट बाद जो भी है। ये देख सकते हो 6:22 हो रहे हैं, 6:30 पे सेल्फ मारते हैं इसमें। अभी तो हो जा रही है हाफ सेल्फ स्टार्ट, अगर 2 मिनट बाद सेल्फ मारते तो लंबा सेल्फ लेती थी। तो चलते हैं, इसको एक बार छोड़ देते हैं ऐसे ही। तो अब काफ़ी टाइम हो चुका है, एक बार देख लेता हूँ, ये तुम्हारा 18 मिनट हो चुके हैं। और अब इसमें सेल्फ मारते हैं एक बार, तो ये हाफ सेल्फ गाड़ी स्टार्ट हो गई है। गाड़ी हाफ सेल्फ स्टार्ट हो चुकी है, और जो प्रॉब्लम आ रही थी वो फ्यूल पंप की वजह से ही आ रही थी प्रॉब्लम, जो ये दे रही थी बार बार। इसको बंद करूँगा, फिर एक बार स्टार्ट करता हूँ। तो ये प्रॉब्लम जो है हमारी सॉल्व हो चुकी है।
तो ये जो दिक्कत आ रही थी वो आ रही थी हमारे फ्यूल पंप की वजह से, कि फ्यूल पंप जो है इसका लोकल डला पड़ा था और रिले भी जो इसकी लोकल डली पड़ी थी। तो रिले और फ्यूल पंप हमने इसका चेंज कर दिया और ये जो प्रॉब्लम थी वो सॉल्व हो चुकी है। तो ये एक वीडियो थी, वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।